अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू आर ऑल ओके। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ। यू नो डाइटेशन अक्सा के इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स थे, 200K आई थिंक उनके सब्सक्राइबर्स थे, और बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि किसी जालिम इंसान ने, किसी चीप पर्सन ने उनका जो चैनल है वो हैक कर लिया है। तो गाइस, एज अ यूट्यूबर फैमिली वी शुड हेल्प हर, वी शुड सपोर्ट हर। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, ऐसा मेरे साथ हो सकता है, आप सबके साथ हो सकता है, और ये बहुत ही आई थिंक इट्स रियली रॉन्ग। तो बहुत गलत हुआ है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ ट्वीट करें जितना भी हो सकता है। मैं उनका लिंक भी सेंड करती हूँ चैनल अपनी डिस्क्रिप्शन के नीचे, उनका लिंक दे दूँगी। तो प्लीज़ उनके चैनल को विज़िट करें। उन्होंने एक नया चैनल बनाया, उसको जाके आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्लीज़ सपोर्ट करें। आप बताएं कि हम उनकी मुश्किल वक़्त में हम उनके साथ हैं। और मुझे समझ नहीं आ रही कि लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। और इसलिए यू नीड टू बी केयरफुल एज वेल। देखिए, हमारे मेरे अपने ज़ाती तौर पे मेरे 2000 या उससे ऊपर सब्सक्राइबर हैं, और अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो गाइस, ऑफ कोर्स मैं इतना रोऊंगी, तकलीफ में होंगी मैं, ऑफ कोर्स स्ट्रेस में बंदा चले जाता है। उनके चैनल पर जाके देखें, वो कितना रो रही हैं, कितना अपसेट हैं, बहुत ही ज़्यादा वो तकलीफ से गुजर रही हैं गाइस। और ऑफ कोर्स 200K सब्सक्राइबर और अर्निंग चैनल उनका माशाल्लाह से, और कितना दुख होता है इंसान को कि हमारे साथ ऐसा क्या हो गया और क्यों हो गया, और कैसे गूगल पे से आकर उन्होंने उनका चैनल हैक किया। आप देखें गूगल में इंसान की, मेरी गूगल में मतलब हमारे बैंक स्टेटमेंट्स होती हैं, बैंक डिटेल्स होती हैं, बैंक कार्ड की डिटेल्स होती हैं, कोई भी कुछ भी कर सकता है गाइस, ऐसा कैसे। तो इसलिए किसी भी चैनल पे, गूगल पे आप प्लीज़ गाइस क्लिक करने से पहले 100 दफ़ा सोचा करें कि कब कुछ भी गलत हो सकता है। आपके फ़ोन में आपकी प्राइवेट पिक्चर्स होती हैं, आपकी प्राइवेट मोमेंट्स होते हैं, विच वन यू कांट शेयर विद एवरीबॉडी। तो कोई भी आपका चैनल हैक करके आपका गूगल से कुछ भी कर सकता है। तो प्लीज़ आप उस जीमेल में या कभी भी आपको कोई ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी आपको पता लगे ये ऐसा है, तो उसको आप क्लिक मत करें, उसको कभी क्लिक मत करें प्लीज़। और प्लीज़ आप अपने चैनल्स की हिफाजत करें। और अगर अक्सा जी का चैनल जो है वो, उसको प्लीज़ उसकी सपोर्ट करें प्लीज़। मैं आप उनकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, अगर किसी को उनके बारे में नहीं पता तो प्लीज़ उनको जाके सब्सक्राइब भी करें, और उनको जाके प्लीज़ आप उनकी हेल्प कीजिए। मैं अभी आपको उनकी वीडियो भी दिखाऊंगी। और मुझे बहुत अफसोस हुआ उनको रोता हुआ देख के। मुझे अपना आप याद आ गया कि अगर इनकी जगह मैं हूँ तो ऐसा कैसे, मैं कैसे रिएक्ट करूँगी। मेरे 2000 सब्सक्राइबर हैं गाइस, तो अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं किस तरह रिएक्ट करूँगी, कैसे तकलीफ़ से गुजरूँगी। मैं अपना चैनल 2000 है तो फिर भी मैं अपना चैनल सोच भी नहीं सकती कि मैं बेच दूँ। तो उनको लोग ये टॉन्ट कर रहे हैं कि आपने अपना चैनल बेच दिया और अब आप स्टंट कर रही हैं, रो रही हैं, तो इसकी वजह से अब आप अपना मतलब सब्सक्राइबर इकट्ठे करना चाहती हैं, आपने चैनल खुद बेचा। ऐसा नहीं होता गाइस, हर कोई, मैंने अपना चैनल शौक के लिए बनाया, टू बी ऑनेस्ट, पैसों के लिए नहीं बनाया। पैसे आ जाएं तो इट्स अ बोनस, या इट्स अ बोनस, लेकिन मैंने अपना चैनल सिर्फ इसलिए बनाया है कि मुझे शौक है। मैं टाइम स्पेंड करती हूँ, जब मैं घर में फ्री होती हूँ मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज़ गाइस, आप प्लीज़ इनको सब्सक्राइब भी करें, इनकी हेल्प भी करें, और ट्वीट पे जाकर प्लीज़ आप यूट्यूब को मतलब इनके लिंक्स आप वहाँ पर शेयर करें और इनकी प्रॉब्लम के बारे में लिखें। उनकी वीडियो में सब कुछ मैंशन है, मैं आपको उनकी डिटेल बताती हूँ। तो प्लीज़ गाइज, जो जो मेरे फ्रेंड हैं उनको आप सपोर्ट करें, मेरी फैमिली है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एवरीवन प्लीज सब्सक्राइब हर चैनल, बिकॉज आई ऑलरेडी सेंड हर लिंक टू एवरीवन इन माय फैमिली। मैंने अपनी बहन को भेजा, भाई को, अपनी हाला, सबको भेज दिया है। तो प्लीज गाइस, आप भी उनकी हेल्प करें, हम पे भी ऐसा वक्त आ सकता है, अल्लाह ना करे ऐसा वक्त किसी पे भी आए। तो मैं अभी आपसे उनके चैनल का लिंक भी शेयर करूंगी, उनके टीवी पे भी मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। तो प्लीज़ गाइस, आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, किसी के ऊपर भी ये बुरा वक्त आ सकता है, कभी भी आ सकता है। जो है वो जीमेल और मेरे सारे पासवर्ड्स और लाइक हर एक चीज़ मेरी जो जितनी भी सब्जेक्ट
से मैंने अपना पूरा इनपुट बहुत मेहनत की है मैंने अपने चैनल के ऊपर। टीचर है सारी नाम, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। मतलब अभी सेल सारा प्रोसेस जो है वो उसके अंदर है, प्रोसेस हो रहा है, और बस उसको फास्ट कैसे करना है वो आप लोगों ने ट्वीट कर करके मैंने ट्वीट किया है, तो वो आपने रीट्वीट करना है जाके, ताकि जल्द से जल्द वो चैनल वापस आए और मैं अपना कंटेंट उठाऊं वहां से। क्योंकि जितने लोग मुझे वो वीडियो सेंड कर रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर, वो ये है कि मतलब वो व्हाट्सएप पे पूरी वीडियोस नहीं सेंड होती है, क्योंकि SD फाइल होती है ना, तो वो उसके पिक्सल